बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। उपद्रवी कभी मंदिरों तो कभी उनके घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाल ही में हिंदुओं के जाने माने नेता चिन्मय कृष्णदास को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद से यहां लगातार तनाव जारी है। अब ढाका में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने पर अमेरिका ने भी कड़ी चेतावनी दी है। यहाँ कई हिंदू अमेरिकी समूह ने मांग की है कि दक्षिण एशियाई देश के लिए अमेरिकी सहायता इस शर्त पर निर्भर होनी चाहिए कि वहाँ की सरकार इन आबादियों की सुरक्षा के लिए ठोस कार्रवाई करे। हालिया समय में तनाव की स्थिति देखी जा रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आरोप लगाया है कि भारत का राजनीतिक नेतृत्व घरेलू राजनीतिक लाभ के लिए बांग्लादेश से जुड़े मुद्दों का इस्तेमाल कर रहा है। इस संबंध में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार नाहिद इस्लाम ने कहा कि अगर भारत ऐसा करता है तो ये उसकी घरेलू राजनीति के लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश विरोधी और मुस्लिम विरोधी राजनीति भारत के राष्ट्रीय हितों और एकता को कमजोर कर सकती है। नाहिद इस्लाम शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्र नेताओं में से एक हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत को इन मुद्दों पर चर्चा से बचा जाना चाहिए। नाहिद ने भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के महत्व को रेखांकित किया और भारत से बांग्लादेश के खिलाफ झूठे प्रचार को बंद करने की अपील की। नाहिद इस्लाम के बयान के अनुसार बांग्लादेश पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और असम में गहरे संबंध साझा करता है। नाहिद ने कहा कि शेख हसीना शासन के खिलाफ विरोध के दौरान कोलकाता और दिल्ली के छात्रों ने बांग्लादेशी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था। उन्होंने ये भी दावा किया है कि बांग्लादेश अल्पसंख्यकों विशेष रूप से हिंदुओं को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने बड़े देशों द्वारा कथित दुष्प्रचार से निपटने के लिए राष्ट्रीय एकता का आह्वान किया है। उन्होंने राजनीतिक दलों को संबोधित करते हुए कहा कि ये समय शेख हसीना सरकार के खिलाफ विद्रोह के मामले में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का मुकाबला करने का है। बांग्लादेश में लगातार जारी अशांति और हिंदुओं पर हमले को लेकर अंतरिम सरकार के कार्यवाहक मोहम्मद यूनुस के मुख्य सलाहकार व प्रेस सचिव शफीकुल आलम का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ संबंधों और हिंदुओं पर हमलों को लेकर ये बयान दिया है। शफीकुल ने पहले तो शेख हसीना पर हमला बोला और कहा कि शेख हसीना एक सामूहिक हत्यारी हैं। उन्होंने सबसे क्रूर तानाशाही में से एक का संचालन किया है। बता दें कि शेख हसीना इस वक्त भारत में हैं। शफीकुल आलम ने कहा कि हम ये जानकर हैरान और आश्चर्यचकित हैं कि उन्हें अभी भी अपने आवास से मीडिया से बात करने की अनुमति है। भारतीय विदेश सचिव की बांग्लादेश यात्रा पर वे कहते हैं, हम भारतीय विदेश सचिव की यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। दोनों समकक्ष आपसी हित के मुद्दों पर बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि बैठक से दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे होंगे। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंध ठीक बने हुए हैं और दोनों देश संबंधों को और गहरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में हमारे संबंध और बेहतर होंगे। वहीं बांग्लादेश में हिंदू नेता चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद इस्कॉन मंदिर पर प्रतिबंध लगाए जाने के सवालों पर उन्होंने कहा कि हमने बार बार कहा है कि इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की हमारी कोई योजना नहीं है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।